हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज हम रेसिपी शेयर करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल और होटल स्टाइल में। आपको ये दिखाएंगे रेसिपी, ये पनीर चिली की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। और आप जब इसको बनाएंगे ना घर पे, तो सच में होटल और रेस्टोरेंट बाहर का खाना आप भूल ही जाएंगे। तो ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है 400 ग्राम। ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मेजरमेंट बता रही हूँ। आप कम लोगों के लिए बनाएं या ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं, तो उस हिसाब से अपना मेजरमेंट सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 400 ग्राम ये मैंने पनीर लिया है। ये मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इसका प्याज था, वो इस तरीके से क्यूब में इस तरीके से कट कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से क्यूब में कट कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा आपका खाने में लगेगा ये चिली पनीर। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है, जिसके शीट मैंने देखे आप इस तरीके से निकाल दिए हैं। तो आप भी अगर टमाटर यूज़ करें तो शीट इस तरीके से निकाल दीजिएगा, अगर नहीं यूज़ करना चाहें तो स्किप कर दीजिए। ये मैंने हरी मिर्ची ली हुई है काफ़ी सारी यहाँ पे, क्योंकि हम चिली पनीर बना रहे हैं तो इसलिए चिली को काफ़ी सारी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे शिमला मिर्ची मैंने ली है, वो भी मैंने क्यूब में काटी है। इस तरीके के क्यूब में आप कट करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी खाने में भी और देखने में भी। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाजर ली हुई है, तो ये हम गाजर का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बड़े साइज में काटी हुई है। आप देखते हैं, जब भी आप मार्केट रेस्टोरेंट से मंगाते हैं ये पनीर चिली, तो आप इस तरीके के उसमें क्यूब्स होते हैं कट किए हुए, तो उसी तरीके से मैंने कट किए हुए हैं। यहाँ पे मैं 4 बड़े टेबल स्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। आप इसकी जगह मैदा, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स का यूज़ कर सकते हैं, बट ये कॉर्नफ्लोर आप यूज़ करिएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने में। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लूँगी मैं, ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। इसमें मैंने अदरक और लहसुन इस तरीके से क्रश कर लिया है। ये नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला है और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्ची है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर लिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्ची एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं चिली, तो फिर आप चिली खूब सारी डालिए इसमें, बहुत अच्छी लगेगी, इंजॉय करेंगे आप। तो इसका मैं इसको पहले पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसमें ये मैंने आपको माप के दिखाती हूँ, मैंने 4 बड़े चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है, 1, 2, 3 और ये डाल देंगे 4, ये 4 टेबल स्पून है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च, ये जाएगा हल्का सा नमक, आप नमक नहीं भी यूज़ करना चाहें इसमें तो मत करिएगा, पर मैं कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, सॉफ्टली हाथ से मिक्स करेंगे ताकि इसके पीसेस जो हैं टूटे नहीं। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इस तरह क्यूब में, बड़े क्यूब में आप कट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपका खाने में चिली पनीर, और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। और पीस टूटने नहीं चाहिए, आप अच्छे से इसको स्पून से मिला लीजिए या हाथ से, मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये मैंने मिक्स किया है, बट इसकी कोटिंग अभी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून वो बड़े वाले स्पून इसमें और मिलाऊंगी कॉर्नफ्लोर। मैं अंदाजे से मिला रही हूँ, आप माप के मिलाइएगा। इसको सभी को आप फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो अच्छे से मिक्स हो गया। इस तरीके से आप टॉस कर सकते हैं अपने बाउल में, जिसमें भी मिला रहे हैं, अच्छे से कोटिंग हो गए। अब हम यहाँ पर थोड़े थोड़े करके इसको फ्राई करेंगे। ये मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई कर सकते हैं, बट सेलो फ्राई से अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। एक एक करके डालिए, बहुत सारे एक साथ मत डालिएगा, थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे इनको। और अब हम इनको एक तरफ से ये हो गए, अब हम इनको ये स्पून से पलट देंगे, हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं, इस तरीके से इनको पलट देंगे। फिर से इनको थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे दूसरी तरफ। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी अच्छा आ गया गोल्डन कलर। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये वाले हमारे अच्छे से सीधे निकाले, कितने क्रिस्पी हैं देख सकते हो आप। अब हम ये दूसरा बैच डाल देंगे इसी में, एक एक करके डालिएगा इस तरह से, अलग अलग करके एक साथ में।
इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब ये सारे मैंने इसमें डाल दिए, इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं जैसे मैंने ये फ्राई किया। अब आप यहाँ पे ज़रूरी टिप्स मैं आपको दे दूँ, अब ये देख सकते हैं कि मैंने सारे पीसेस निकाल के डाल दिए और ये इसमें कॉर्नफ्लोर का क्वांटिटी थोड़ी सी बच गई है। अब हम इस कॉर्नफ्लोर को आप चाहें तो इसकी जो हम सॉस बनाएंगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसी में थोड़ा अगर कम क्वांटिटी लग रही तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए कॉर्नफ्लोर को और उसको हम सॉस में इस्तेमाल करें। तो मैं अब इसी कॉर्नफ्लोर को सॉस में इस्तेमाल करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि कैसे करना है। ये एक तरफ से हो गए, हम इनको पलट देंगे। इनको डी फ्राई बिल्कुल भी मत करिएगा, सेलो फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे और जब डालते समय अलग अलग करके एक एक पीसी आप डालिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर रखा, पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर मीडियम कर दीजिए। बहुत हाई फ्लेम पर मत इसको फ्राई करिएगा क्योंकि पीसीस सारे जल जाएंगे और वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा। आपने देखा और रेस्टोरेंट में कितना बढ़िया वो क्रिस्पी फ्राई होता है और जब आप खाते हैं तो कितना क्रंची होता है। उसी स्टाइल में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में ये रेसिपी दिखा रही हूँ ताकि आप घर में इजीली बना लें। और जब आप इतना अच्छा पनीर चिली घर पे बना लें तो फिर रेस्टोरेंट से क्यों मंगाएं। तो ये अच्छे से फ्राई होने देंगे इसको, थोड़ा सा फिर निकाल लेंगे। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे, आदमी के आवाज़ सुन पा रहे हैं। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ये 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, इसको हल्का सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सॉटे करेंगे। ये हल्का सॉटे हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम ये डाल देंगे गाजर शिमला मिर्च, इसको भी हम हल्का सा सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको 1 मिनट सॉटे करेंगे इस तरह। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो हमने क्रश करके रखा है, आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या बारीक चॉप कर सकते हैं। और ये डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, ठीक है। मिर्ची क्योंकि मैं बहुत स्पाइसी बना रही हूँ मैं, तो अपने हिसाब से मिर्ची डाल दूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपके बच्चे वगैरह खाना पसंद करते हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो खाना पसंद करते हैं, स्पाइस में डाल दूँगा। ये मैंने यहाँ पे हरी शिमला मिर्ची डाली हुई है, आप चाहो लाल वाली भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं टमाटर लास्ट में डालूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिर ये मैशी हो जाएगा। अब हम इसमें ये जो हमें कॉर्नफ्लोर था ये इसका मिक्सचर बना के डालेंगे, तो ये हमारे थोड़ी सफाई हो चुकी है। अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे, टमाटर लास्ट में डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ग्रेवी बनाने से पहले लास्ट में नहीं, अगर पहले डालेंगे बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा, फिर आपकी ग्रेवी भी टेस्टी नहीं लगेगी। ये हो गया, अब हम यहाँ पे थोड़ा लिक्विड बना लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच टमाटो सॉस ली हुई है और 1 टेबल स्पून क्योंकि मेरा 400 ग्राम है तो मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस ले रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ। आप खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको हम छोड़ देंगे इसके अंदर, गैस का फ्लेम स्लो इस स्टेज से स्लो रखना। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, टोटल आज जो चाय वाला कप होता है एक से भी कम, आधा कप से भी कम पानी मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब ये जो हमारा मिक्सचर था इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैंने और डाल लिया था, 1 टेबल स्पून इसमें बचा हुआ था, 1 टेबल स्पून और डाली, तो फिर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है कॉर्नफ्लोर। इससे हमारी ग्रेवी में थिकनेस आएगी और हमारा कॉर्नफ्लोर भी गिरेगा। अगर आपको इनकेस इसमें कम लगता है तो कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और यूज़ कर लीजिए। और अब हम डाल देंगे इसमें ये सारे अपने मसाले, नमक मिर्च स्वाद अनुसार, इसे चला देंगे अच्छे से। तो ये ग्रेवी हमारी बन चुकी है, अब हम डाल देंगे इसमें सारा पनीर ये जो हमने, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये हम ऐसे ही खाएंगे इसको स्नैक्स के तौर पे। अगर आप इसको चपाती या रोटी के साथ खाना चाहें तो इसमें ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विड और बढ़ा सकते हैं पानी, तो थोड़े ग्रेवी वाला लगेगा। इसको मिला देंगे अच्छे से, इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसमें नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से, मैं फिर बोल रही हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा,
ये बहुत ही अच्छा यम्मी लगेगा खाने में। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब आप घर में ही इतना अच्छा बना लें, फिर आप मार्केट या होटल से क्यों मंगाएं खाना। और वैसे भी इस लॉकडाउन में कुछ अच्छा और कुछ नया बना के खाएं, उसी सामग्री के साथ जो आपके घर में हमेशा मिल जाती है, और इन्जॉय करें इस लॉकडाउन को। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं, है ना। ये देखिए बिल्कुल इसमें मसाला लपेट गया इस तरीके से, क्योंकि हमें ऐसे ही खाना है। आप रोटी या चपाती के साथ खाना चाहें तो, वैसे इस स्टेज पे भी आप रोटी चपाती के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। तो ये मैंने बाउल में और प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको रेसिपी दिखाई हुई है। इसको गार्निश कर लेते हैं ये ऑनियन के साथ। तो अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है, मतलब हरा वाला प्याज है, उसके जो पत्ते हैं उससे आप गार्निश कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर एंड इसका टेस्ट आएगा। इस तरह से इसको गार्निश कर लेते हैं। तो है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, आप देख सकते हो खाने में बहुत यम्मी है। मैं तो खा रही हूँ इसको। देखिए आप अच्छे से बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। ये देखिए दिस इज़ फॉर यू। आप भी इसी तरीके से अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और इसके टिप्स फॉलो करिएगा, जहाँ जहाँ मैंने जो चीज़ बताई आप उसी तरीके से इसको बनाइएगा और टिप्स फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। दिस फॉर यू। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए।